गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्पेंट सुडान। सो आज की वीडियो जो रहेगी हमारी वो बीएड एग्ज़ाम के रिलेटेड रहेगी, जो कि जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले एक्सपेक्टेड डेट जो थी रिज़ल्ट की वो 7 थी, लेकिन एचपीयू ने विदाउट एनी कोई नोटिस के सीधा ही 8 या 9, मेरे हिसाब से 8 या 9 तक रिज़ल्ट जो है पोस्टपोन कर दिया है। सो आप प्रिपेयर रहिए, कल या परसों तक आपका बीएड का रिज़ल्ट आ जाएगा। सो आज की वीडियो रहेगी डिफरेंट डिफरेंट फी स्ट्रक्चर जो है इस सीज़न के लिए एचपीयू ने क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा और प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सो आज की वीडियो जो है मैं दोनों पोर्शन को कवर करने की कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे कि एचपीयू के दो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे कि सभी को पता होगा, एक धर्मशाला और एक एचपीयू शिमला। सो जो बेसिक फ़ी स्ट्रक्चर रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट होता है, डिफरेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग हर किसी का डिफरेंट होता है। सो पहले हम देखेंगे जो रिफंडेबल टाइप की फ़ीस होगी, जो एक होगी एडमिशन फ़ी, लाइब्रेरी जो सिक्योरिटी में कवर होता है 750 जो रहती है हमारी, वो रहती है हमारी रिफंडेबल इन नेचर। जो जब डिग्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल का हमारा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो पैसा ही डायरेक्ट रिफंडेबल हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। इन केस अगर आपने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, कोई बुक नहीं चुराई है, सो ये पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में आप इंडल्ज हो, सो ये चीज़ें जो हैं ये वापस नहीं होंगी। और अगर आप इन गर्ल्स कैटेगरी देखो, अगर लड़कियों की कैटेगरी में देखोगे तो लड़कियों के पास और भी ज़्यादा ऑफर्स होते हैं, जैसे स्कॉलरशिप आ गए, ये वो चीज़ें होती हैं, तो लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के। सो बाकी हमारा जो बेसिक फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा वो आइडेंटिटी कार्ड, मैगजीन फ़ीस, ये सब मिला जुला के जो एंड में हमारी टोटल फ़ीस बनती है वो बनती है हमारी 5 to 6,000। और बाकी जो हमारा ग्रैंड टोटल होता है वो 11,100 के ऊपर ही बनता है लगभग। ये इन्होंने पूरा बताया नहीं होता है, बाद में जब हम देखेंगे हमारी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो होती है इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है, वो एक्स्ट्रा हमें पे करनी पड़ती है हर सेमेस्टर वाइज। सो जो बॉयज़ के लिए होगी वो 11,350 रहेगी, और लड़कियों के लिए जो होगी ये एनुअली फ़ीस है, और जो लड़कियों के लिए रहेगी वो 10,150 रुपीज़ रहेगी। सो ये है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीसिस। सो बाकी जो हमारे नीचे इन्होंने चार्जेस जैसे कि मेंशन किए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने एचपीयू से पहले पढ़ाई नहीं की है, या कोई ऐसी लड़की है जिसने एचपीयू से पहले पढ़ाई नहीं की है, ग्रेजुएशन उनकी अदर स्टेट से है या कहीं और से ग्रेजुएशन है, तो उन्हें पहले एचपीयू के अंडर रजिस्ट्रेशन होने के लिए कुछ अमाउंट देना पड़ता है। सो ये भी फ़ीस जो होती है वो फ़ीस के एक्स्ट्रा रहती है। सो बाकी अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, सो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से कॉलेज कितनी सीट अलॉट करते हैं। तो हमारे जो धर्मशाला कॉलेज रहेगा वो 250 की सीट्स होती हैं, और 100 जो होती हैं वो एचपीयू में होती हैं। सो बाकी अब हम देखते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में क्या हिसाब किताब रहता है हमारी फ़ी स्ट्रक्चर का। आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 75 से पीछे रहेंगे या अराउंड 76-77 की लाइन में रहेंगे, वो पहले से ही अपना प्राइवेट कॉलेज देखना स्टार्ट कर दें। अगर वो सच में बीएड इस सेशन में करना चाहते हैं, तो मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि जो कट ऑफ है वो मिनिमम जो होगी, मिनिमम से मिनिमम भी होगी वो 80-81 के नीचे तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। सो जो आप हो 75-76 की कैटेगरी में जो भी लोग होंगे, वो मतलब खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, आसपास के या कहीं पे भी जहां उनका मन है वो अच्छे कॉलेज देखना स्टार्ट करते हैं। सो प्राइवेट कॉलेज का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो फ़ी स्ट्रक्चर ही रहता है। इनकी फ़ीस जो होती है वो डबल ट्रिपल आई थिंक मल्टीप्लाई बाई 4 ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ की ट्यूशन फ़ीस देखो या फिर कुछ भी देखो आप, 42 फर्स्ट ईयर की, 42 सेकंड की, तो ग्रैंड टोटल 84,000 बनता है, जबकि ये पूरी फ़ीस नहीं है। इसके अलावा भी हमारे कई चार्जेस होते हैं जो इन्होंने इंक्लूड नहीं किए हैं, जैसे कि अभी देखो, जैसे इन्होंने एक्टिविटीज़ के पास 2100 और जोड़ा है, 1000 और जोड़ा है, जो कि 3210 बन जाता है टोटल में। सो ये डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं जो ये इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन ये बाद में आते हैं। सो अगर आप देखो जो हमारा एंड में ग्रैंड टोटल बनता है वो 98,010 के अराउंड बन रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि ये फ़ी स्ट्रक्चर जो है ये परमानेंट नहीं रहता, ये
ऊपर से नीचे जाता रहता है, और ये जो मेंशन होता है ये मेंशन के हिसाब से तो कुछ करते ही नहीं है इससे। मतलब आप 10-15 हज़ार ऊपर नीचे तो क्या, पर ऊपर ही जोड़ के चलो कि इतना तो आपका खर्चा होगा ही होगा। और सेकंड फैक्टर रहेगा आपका, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो तो अपनी लोकेलिटी में देखने का एक फ़ायदा रहता है कि आपके हॉस्टल्स और ये सब का खर्चा बच जाता है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखोगे हॉस्टल का खर्चा भी काफ़ी होता है। सो ये सब चीज़ों को ध्यान रख के ही आप अपना प्राइवेट कॉलेज अपने अकॉर्डिंग ढूंढिए। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे कौन से कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट्स होती हैं, और कौन सा कॉलेज जो है आपको बेहतर रह सकता है। सो अगर आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करना, बाकी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू गाइस।